इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। पहचाना आपने? थैंक यू एंटोनियो। आवाज थोड़ी सुनी लग रही है मुझे। हाँ आवाज भी सुनी हुई। आप नाम पे थोड़ा गौर करती हैं। बट बादशाह हमेशा आपकी आता हूँ लाइफ पर, आपको याद होगा। बट बादशाह भूल गई होंगी, काफी पुरानी बात है। मैं वैसे भी अभी 2 वीक्स हुए मैं नहीं आ रहा था आपकी लाइफ पे, क्योंकि मैं आजाद कश्मीर गया हुआ था अपनी कजन की शादी पे। तो अभी आया हूँ मैं वापस। तो अभी मैं आपकी, आज मैंने समझ लें ये 2 वीक्स बाद मैंने अभी आपकी लाइव देखी है, तो बस दिल को सुकून हो गया। जब भी आता हूँ हमेशा आपको देखता हूँ लाइव, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो जैसे ही देखे मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, थैंक यू सो मच। तो कैसी रही, कैसी गई शादी वादी सब कुछ? मैं पूछ रहा हूँ वहां पर रमजान वगैरह की क्या वहां पर जो रूटीन होती है, मतलब जैसे यहाँ पाकिस्तान में बिल्कुल वैसे ही या कुछ चेंज होता है थोड़ा? नहीं यार, रमजान क्या यार, यहाँ पर मैं तो खैर रोजे नहीं रखती हूँ। मैं आई डोंट फॉलो दैट स्टफ एनीवेज। तो जिनको रखने होते हैं वो रखते हैं। यहाँ कोई रेस्टोरेंट्स वगैरह थोड़ी बंद करते हैं हम लोग। हाँ मुझे अंदाजा है, ये तो मुस्लिम मुमालिक के अंदर होता है कि जो है रेस्टोरेंट वगैरह बंद होते हैं। आउट ऑफ कंट्रीज में तो वैसे भी जो है इस चीज पे वो नहीं होती, खुलेआम बंदा खा भी सकता है हर चीज, वहां तो कोई ऐसी चीज नहीं है। बात यही तो है ना। देखिए रमजान में ये है ना कि रोजा रखकर आपने किसी पे एहसान थोड़ी किया है। वहां पे लोग हर चीज में बिल्कुल ऐसे काम नहीं करना, रोजा रखा हुआ है, नहीं आज नहीं हो, नहीं नहीं रोजा बिल्कुल रखा हुआ, ऐसे अभी ही नहीं करना, नहीं रोजा रखा, रोजा एक्सक्यूज बन जाती है। रोजा यानी आपका तो इम्तिहान है ना। इम्तिहान तो यही है कि कोई आपके सामने खा रहा हो और आप उसको नहीं खा, बिल्कुल ये इम्तिहान है ना। अगर ऐसे आपके ही। सामने ही नहीं है तो वो क्या इम्तिहान हुआ, आपने सब कुछ बंद कर दिया। मैं तो आपको दैट्स बताता हूँ ना, या पाकिस्तान की एक फनी चीज बताता हूँ ना, जो मुझे भी बड़ी देखता हूँ तो हंसी आती है कि एक तो चलें ठीक है कि आप किसी के सामने बैठ के स्पेशल खाएं तो वो तो चलें बुरी बात है, लेकिन मैंने बहुत से यहाँ पर पाकिस्तान में ऐसे लोग देखे हैं कि जिन्होंने रोजा रखा हुआ होता है वो जबरदस्ती अगले बंदे के मुंह के अंदर घुस घुस के देखते हैं कि किसी तरह नजर आ जाए, हल्का सा इसका मुंह हिल जाए तो बस फिर इसको गुस्से की निगाह से हम देखें। अब ये नहीं समझ आती भाई, तुमने अपने लिए रखना है, अगले ने अपने लिए रखना है, तुम्हें क्या परेशानी है? मुंह के अंदर घुस के अगर तुम एहतराम ढूंढोगे तो हम कहां से तुम्हें एहतराम देंगे? अल्लाह मियाँ तो बाद में पूछेंगे कि तुमने रोजा रखा कि नहीं रखा। ये लोग पहले तुम्हारी जान खा जाएंगे पूछ पूछ के। रोजा रखा, रोजा रखा, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जा क्या रहे हैं, पता नहीं इन्होंने पता है मैंने कब्र में रखा हो नहीं जाना रखा। तो सबसे बुरी बात मुझे तब जब मैं मुसलमान होती थी, पाकिस्तान में थी, तो सबसे बुरी चीज पता मुझे क्या लगती थी कि जब औरतों से हो। पूछते हैं ये आपने रोजा रखा जी है, नहीं मुझको पीरियड है, मैं नहीं रख सकती रोजा। अब बंदी बोलती हूँ, हाँ आप बोल भी नहीं इसलिए सकते राइट, मगर नहीं पूछेंगे जरूर, नहीं तबीयत खराब है आपकी। अच्छा फिर यूं देखेंगे, अच्छा फिर अच्छा बहुत मेंसुरेशन। ज्यादा यहाँ पर असल में आप देखें ज्यादातर पता है कौन करता है यहाँ पर? यहाँ पर ये जो मौलवी हजरात है ना ये ज्यादा करते हैं। नहीं तो मौलवियों के पास ये यही तो जाते हैं ना आजकल, छोटे छोटे से लड़के मैंने देखे हैं, 20 20 18 18 साल के बच्चे हैं, वो बेचारों को मौलवी बना दिया है। वो बहुत वही एक्सट्रीम पे ना, चले गए इस चीज को लेकर, यू नो। आप अभी सो ये हमारे यहाँ करीब मस्जिद है यहाँ पर तरावी होती है रात में, तो एक उनमें जो है ना एक दिन मौलवी साहब नहीं आए, इमाम साहब नहीं आए, तो एक उनका पता नहीं बेटा आया कि कौन, उसने ऐसे कोई जैसे नाइट्रो नहीं लगा के कुछ बंदा बूस्ट लगा के बंदा जो तरावी पढ़ाता है वो ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। मैंने बोला अल्लाह के बंदे पीछे भी तो देख ले, कोई बंदा जो है रुकू में गया है नहीं गया, किसी ने जो है सलाम फेरा नहीं फेरा, तू अपने ही अल्लाह हाफिज होने लगा हुआ, हवाई हवाई जहाज में सवार हुआ हुआ। मैंने बोला इसके साथ नहीं पढ़नी, मैंने 8 तरावियां पढ़ी, मैं पीछे से निकल गया। मैंने बोला हो गया मेरा काम पूरा, इसने पढ़ा दी और हमने पढ़ ली। सुपर फास्ट स्पीड में उसको मालिक की लाइफ कैच करनी थी, इस वजह से वो भाग रहा था वहां से। वो कह रहा था मैंने जल्दी जल्दी जाना है, मालिक लाइफ आने ये बात वाली है। हो सकती है, अच्छा बिल्कुल सही कुछ कह और रही हैं बोलना आप। चाहेंगे, मैं आगे बढ़ती हूँ, देखती हूँ अगर एक दो कॉल और लेती हूँ फिर मैं नहीं, जाऊंगी बहुत जरा अच्छा थोड़ा लगा सा आप मुझे लाइफ के लिए रिलैक्स। मिलती है ना, मेरे लिए ये सबसे ज्यादा अच्छी बात होती है। मेरे दिल को बहुत खुशी होती है कि मैं हमेशा आपकी लाइफ पे आता हूँ, अगर मैं अच्छी आपसे बात करता हूँ तो आप मेरे जो है कमेंट को देखती भी हैं, आप लाइफ भी लेती हैं, टाइम भी देती हैं, तो मेरे दिल में आपके लिए वैसी बहुत जगह बन जाती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।
थैंक यू चलिए, दीदी, आप अपना ख्याल रखिएगा, चलो ठीक है? ठीक ठीक है, चलो बाय बाय, है, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।